नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दोपहरवार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में 39 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुका है, अभी 41 लोकसभा सीट पर चुनाव होना बाकी है। यहां से लड़ाई कांटे की हो चली है। अब गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस पर हमले कर रही है और कांग्रेस सीधे गठबंधन पर निशाने साध रही है। प्रियंका गांधी ने ये बताया कि क्या है उनकी वोट कटुआ थ्योरी और कैसे उनके कमजोर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। बाराबंकी में राहुल गांधी ने जनता को इस सीधे बता दिया कि अखिलेश यादव और मायावती का रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी के पास है। यानी ये जो रिमोट कंट्रोल है अखिलेश और मायावती का, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। अखिलेश ने यह कह दिया इसके जवाब में कि संस्थाओं का दुरुपयोग जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, असल में उन्होंने वो कांग्रेस से ही सीखा है। बड़ी सीधी सी बात है कि मोहब्बत भी तुम्ही से और लड़ाई भी तुम्ही से, क्योंकि राहुल गांधी ने अमेठी में यह कहा था कि उन्हें समाजवादी पार्टी और गठबंधन से प्यार है, ये खुलकर उन्होंने बोला था। लेकिन वो प्यार नफरत में बदल क्यों जा रहा है, लड़ाई की नौबत क्यों आ गई है, स्थिति उत्तर प्रदेश में तो ये बन गई है। तो आज बहस इसी पर है, लेकिन उन राजनेताओं की बात सुन लेते हैं जिनकी पांचवें चरण में बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। मायावती जी और अखिलेश यादव जी का कंट्रोलर नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, ये आप याद रखिए। नरेंद्र मोदी मुझ पे दबाव नहीं डाल सकता है, मगर नरेंद्र मोदी जी बीएसपी और एसपी पर दबाव डाल सकते हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये जो जितने भी डराने वाली संस्थाएं थी, ये सब सीखा होगा बीजेपी ने कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस यही काम करती थी। जहां हमारे उम्मीदवार अच्छा लड़ रहे हैं वहां, और जहां मजबूत है वहां कांग्रेस जीतेगी। जहां हमारे उम्मीदवार थोड़े से हल्के हैं वहां पे हमने ऐसे उम्मीदवार दिए हैं जो बीजेपी का वोट काट। ये जो कह रहे हैं कांग्रेस के लोग कि हम डरते हैं भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस पार्टी को ये जानना चाहिए और समझना चाहिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी ने ही मुकाबला किया है बीजेपी का। आज इसी गठबंधन की वजह से बीजेपी रुक रही है। और जहां तक सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के बारे में भी ये कहना चाहूंगी कि अब तो कांग्रेस पार्टी भी यहाँ एसपी व बीएसपी के बने गठबंधन के बारे में बीजेपी की तरह ही अनाप शनाप भाषा बोलने लगी है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों पार्टियां अंदर अंदर हमारे गठबंधन के खिलाफ एक होकर वे आपस में मिलकर यहाँ उत्तर प्रदेश में ये चुनाव लड़े हैं। तो आपने सुना सीधे अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती की बात और प्रियंका गांधी की वोट कटवा थ्योरी भी आपने सुनी होगी। जहां जीत रही वहां मजबूत प्रत्याशी हैं, जहां पर कमजोर प्रत्याशी है वो गठबंधन का नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का वोट काटेंगे, ये प्रियंका गांधी ने कहा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान दोपहर वार के स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपका सीधे परिचय करा देते हैं। ओंकार नाथ सिंह हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ ओपी सिंह जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और आरएलडी के प्रवक्ता के तौर पर संतोष यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। और अब से थोड़ी ही देर में, यानी चंद सेकंड में, आपके सामने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव जी भी हाजिर हो जाएंगे। वो थोड़ी देर से हैं, लेकिन उनसे भी सवाल जवाब होगा। ओंकार नाथ सिंह जी, सवाल आज आपसे ही है, हर कोई तो चुनाव जीतना चाहता है, लेकिन आप गठबंधन में है नहीं, उसके बाद भी गठबंधन के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में जो चुनाव लड़ा जाता है वह जीतने के लिए लड़ा जाता है, और जहां पर जीत नहीं पाता है प्रत्याशी
वहां पर वो ये दिखाता है कि इस क्षेत्र का कितना व्यक्ति इस सरकार के खिलाफ है। हर चुनाव न तो सरकारी पक्ष का दल जीत पाता है और न विपक्ष ही जीत पाता है। तो अगर किसी ने साफ गोई से बात की तो उस पर इतनी खाल नहीं उगेड़नी चाहिए। रहा और चीजों की बात जो आपने अपने इसमें दिखाया, नहीं राहुल गांधी, एक सवाल का जवाब आपने बहुत ईमानदारी से दिया, ठीक है हम बात की खाल नहीं उधेड़ेंगे। तब फिर जब आपको इतनी ही मोहब्बत थी सर, तो आप गठबंधन में शामिल क्यों नहीं हुए? नहीं, गठबंधन जब इतनी ही मोहब्बत थी, नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश को बर्बाद कर दे रही है और आप लोगों को सत्ता में आना है, मैं बहुत सीधा सवाल कर रहा हूं, तब फिर आपके जो हित थे उसे त्याग कर गठबंधन में क्यों नहीं आए आप सर? तो आपसे कई बार कह चुके हैं कि गठबंधन में जब बातचीत नहीं तय हो पाई, तय एक तरफ से नहीं होती, ताली दोनों तरफ से बजती, एक तरफ से बजेगी तो ऐसे चला जाएगा हाथ और कहीं ताली नहीं बजेगी। जब हाथ इधर भी आएगा, चाहे यही रुका रहे तो भी रुक जाएगा, लेकिन वो तो हाथ ही नहीं रुका, हाथ ही जब बैठ गया तो हाथ ऐसे से घुमाने से फायदा है नहीं। तो इसलिए उसकी बात छोड़ दीजिए, जो चीज नहीं हुई उसको कहने की क्या जरूरत है। तो यानी गठबंधन नहीं हुआ उसके बावजूद, हाँ। ये मैं मान लूं कि गठबंधन आप लोगों का तो नहीं हुआ है, लेकिन नहीं, फिर भी आप भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करेंगे और गठबंधन को फायदा पहुंचाएंगे। पहले सुन लीजिए बात, हम तो गठबंधन को फायदा पहुंचाना ही चाहते हैं, गठबंधन नहीं लेना चाह रहा है फायदा। गठबंधन इस समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को पड़ले में खड़ा कर दे रहा है। अखिलेश जी का भी बयान देखा, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ सुन के, कि उनसे सीखा होगा। क्या मतलब है भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये ना करती तो आप भारतीय जनता पार्टी से मिल जाते? आप जो हैं भारतीय जनता पार्टी के भी खिलाफ हैं, कांग्रेस के भी खिलाफ हैं, तो जनता आपको वोट क्यों दे? जी भी हमारे साथ, आप तो 78 सीटों पर खाली लड़ रहे हो, किससे मिलकर सरकार बनाओ? कपीश जी भी हमारे साथ आ गए, कपीश श्रीवास्तव जी, ये बड़ी सीधी सी बात है, ये जो रिमोट कंट्रोल आप देख रहे हैं ना, ये आपके दोनों बड़े नेताओं का रिमोट कंट्रोल मोदी जी के पास है। अब देखिए, आप फायदा उठाना नहीं चाह रहे हैं, इसी डिबेट में ओंकार नाथ जी कह रहे हैं, दूसरी तरफ लखनऊ से चंद कदमों की दूरी पर बाराबंकी में राहुल गांधी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का और मायावती का रिमोट कंट्रोल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास होगा, मैं नहीं डरता रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। तो दबाव में आपके नेता काम करते हैं क्या? अब राहुल गांधी जी कब क्या कह देंगे ये तो वही बेहतर जानते होंगे। और फायदा क्यों नहीं उठाना चाह रहे हैं? ओंकार नाथ जी तो आपको फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, आप उठाना ही नहीं चाह रहे हैं। नहीं, अगर फायदा दें तो क्यों नहीं उठा लेंगे, तो लेकिन अगर भ्रम फैलाएंगे, कह रहे हैं वो, भ्रम फैलाना एक अलग की चीज होती है। अच्छा, भ्रम फैलाना, अगर अगर वास्तव में कांग्रेस को गठबंधन को फायदा पहुंचाना होता, वास्तव में अगर कांग्रेस का ये का एक लक्ष्य होता कि हमें नरेंद्र मोदी की अतिवादी सरकार, ऑटोक्रेसी से चलने वाली सरकार, संविधान की चूलों, संवैधानिक संस्थाओं के चूलों हिलाने वाली सरकार और सांप्रदायिक सरकार का अगर तांडव रोकना है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को अपना मूल्यांकन कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें बेहतर ढंग से करना चाहिए था, माइक्रो मैनेजमेंट करना चाहिए था। देखिए, आज अगर आप हमें फायदा पहुंचा रहे होते तो बिल्कुल हम लेते, लेकिन चक्कर यह है कि आपने तो तमाम जगहों पे ऐसी प्रत्याशिता की हुई है जो कि हम ही को डैमेज करने वाले प्रत्याशी हैं। अभी मैं आपको उसकी तुलना दे तो देता हूं, प्रियंका गांधी ये कह रही है कि वो तो बीजेपी का वोट काट रही है, आप यहां इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए राहुल जी हम कह रहे हैं कि भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। जैसे बदायूं से हमारे सांसद धर्मेंद्र जी के खिलाफ इन्होंने सलीम शेरवानी साहब को दिया, आप देखिए संत कबीर नगर में भालचंद्र यादव जी को इन्होंने प्रत्याशिता दी है, वहीं आप देवरिया के अंदर जयसवाल जी के विरुद्ध एकांता वालन साहब की दी है। यानी नुकसान आपको हो रहा है, नहीं और भी और बता लें, और बता लें, बस्ती के अंदर जो है हमारे जो पूर्व मंत्री थे वो राजकिशोर साहब, उनको इन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो हमें बताइए ना कि कहां पर ये जो है गठबंधन को फायदा पहुंचा रहे हैं और भाजपा को फायदा। कपीश श्रीवास्तव जी, आपकी बात से ये निकला कि भारतीय जनता पार्टी का नहीं, यानी आपका वोट काट रहे हैं, ये आप कह रहे हैं? आपकी मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, देखिए सीधी सी बात, मेरी बात सुनिए, मैं नहीं स्पष्ट कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ने अपनी प्रत्याशिता, कोई भी दल अपने समझ से बेहतर प्रत्याशिता हर जगह पे देता है, लेकिन ये भ्रम ना फैलाए कोई। एक तो आपने हमारे खिलाफ अच्छे कैंडिडेटर दिए हुए हैं और फिर आप कहें कि हम भारतीय जनता पार्टी का वोट काटेंगे, तो ये उचित नहीं है। आप दोनों जगह डेंट दे रहे हैं, आप अपनी प्रत्याशिता से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बस अंतर इतना है कि बूथ पे आप मजबूत नहीं है, आप एक चेहरे को आगे किए थे, आपने अपना अवलोकन कर लिया कि उस चेहरे पे आपको उत्तर प्रदेश का कितना वोट मिलने। ओपी सिंह जी, मैं आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन ओंकार नाथ जी से सवाल लेना बहुत जरूरी है, मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूं।
ओंकारनाथ जी ये बताइए कि आप तो भ्रम मत फैलाइए ना, भ्रम फैला रहे हैं आप इसी डिबेट में, इसी स्टूडियो में बोल रहे हैं। जब हम भ्रम फैला रहे हैं तब इनको इतना गुस्सा होने की आवश्यकता है? इनको तो हंसना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। हम कहां भ्रम फैला रहे हैं? नहीं, भ्रम हमने प्रत्याशी जब हम युद्ध आपसे जाके चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आप क्या समझते हैं हम हल्का प्रत्याशी देंगे? प्रत्याशी तो फिर अच्छा ही देंगे और जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। चुनाव हारने के लिए तो कोई लड़ता नहीं है। हो सकता है हम जिस प्रत्याशी को खड़ा करें और वो वहां पे उसको वोट न मिल पाए, वो अलग बात है, हमारा आकलन गलत हो सकता है। लेकिन ये कि हम कोई ऐसा प्रत्याशी खड़ा नहीं करेंगे जो हारने के लिए खड़ा कर देंगे, तो ये चीजें दिमाग से निकाल दीजिए कि जब चुनाव लड़ने जाएगा, आपने भी जो प्रत्याशी खड़े किया क्या हारने के लिए खड़े किए? आपने भी जहाँ चुनाव में नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी खुद कह रहे थे, ओंकारनाथ जी दो अलग अलग बयान नहीं समझ पाऊंगा ना, यही दो बयान अलग है, यही भ्रम है। मुझे जनता को सही यही भ्रम है, यही सर यहाँ देखिए राहुल, ओंकारनाथ जी मैं कांग्रेस कहीं क्रोध नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस से कोई क्रोध कर भी नहीं सकता। ओंकारनाथ जी की बात ही सुन रहे हैं, आपकी ही बात कह रहा हूँ। मैंने आपके उस प्रश्न का जवाब तो सबसे पहले दे दिया कि जहाँ उनका कहने का मतलब था कि भाई जहाँ हमारे प्रत्याशी अगर हार भी रहे हैं तो वो जो है भारतीय जनता पार्टी का वोट काट रहे हैं, उनके वोट में हमको समर्थन ज्यादा मिल रहा है। खंडन कर दिया कपिल श्रीवास्तव ने ना, उसी बात का खंडन कर दिया ना, तो वो कह रहे कि भ्रम मत फैलाइए। सवाल की बात है, कपिल श्रीवास्तव जी हमारे जैसे मैंने बकायदा आपके सामने विद एविडेंस बातें रखी, अपना विचार है। भालचंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी से निकले हुए व्यक्ति हैं और पूर्व मंत्री भी रहे हैं, ऐसे बहुत से और इसी तरीके से राजकिशोर सिंह साहब ने जवाब नहीं दे पाए, बहुजन में गए, ऐसे बहुत से कांग्रेस जो भारत जहां आप डेंट पहुंचा रहे हैं वहां तो भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस मुझे ये समझा दे, कांग्रेस मुझे ये समझा दे, ये बता दे, ये कौन सी नई बात हो गई? वो भ्रम नहीं फैला रही कांग्रेस, भ्रम नहीं फैला रही, ये क्लियर कर दे। गठबंधन से यहाँ पर साफ बोला जा रहा है कि भ्रम फैला रहे हैं। आज आप एक चीज देख रहे हैं कि ये हमारे ऊपर इतने आक्रामित हो गए हैं, इतने आक्रामित हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिसको सरकार से हटाना उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। ओपी सिंह जी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी कांग्रेस से, कांग्रेस ही बीजेपी, इसका क्या मतलब है? ऐसा है राहुल जी, आपको समझ में आए न आए, और क्या नरेंद्र मोदी जी इतने मजबूत है कि अखिलेश और मायावती जी को हैंडल कर रहे हैं दिल्ली से? राहुल जी आपके समझ में आए या न आए, पूरे देश के समझ में और प्रदेश के समझ में बात आ चुकी है कि इन लोगों ने 23 के पहले जब इन लोगों की ये हालत है तो 23 के बाद जो कहते थे कि सरकार बनाएंगे और हमारा नेता संभावित ये होगा, उसका क्या परिदृश्य होगा, वो अभी से आप कल्पना कर सकते हैं। प्रियंका वाड्रा को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने जो सत्य बात थी उन्होंने वही कहा है, वो दो अर्थी बात नहीं कही, उन्होंने ये कहा है कि छोटी मोटी पार्टियां तो वोट कटवा सुना जाता था, लेकिन कोई राष्ट्रीय पार्टी वोट कटवा के रूप में चुनाव लड़ेगी ये पहली बार देखने को मिल रहा है, और कांग्रेस इतना हताश हो चुकी है कि उसको सार्वजनिक रूप से बयान देना पड़ रहा है कि भाई जहां जहां हमारे प्रत्याशी कमजोर हैं वो भारतीय जनता पार्टी का वोट काट रहे हैं। अब गठबंधन और कांग्रेस समझे कौन किसका वोट काट रहा है? हमसे तो सब लड़ रहे हैं, हमसे तो कांग्रेस भी लड़ रहा है, दो दो हाथ बसपा भी लड़ रही है, सपा भी लड़ रही है, RLD भी लड़ रही है, सब लड़ रहे हैं। इनका 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 एक ही काम है, मोदी रोको। क्योंकि आपने ये भी देखा कि चुनाव में इन लोगों का कोई नीयत का कोई खुलासा नहीं हुआ, केवल एक बात का खुलासा है, 2014 का डर, अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए, मोदी को हटाने के लिए हम पहले आपस में मिले, मोदी जी ने सहयोग करें, एक सैनिक को हटा दिया, उसके बाद जब जब चुनाव हो जाएगा मोदी जी ने इसलिए सैनिक को हटा दिया। कौन लड़ेगा? गलत बात, देखिए मैं बिल्कुल नहीं, प्रियंका वाड्रा ने मोदी कैसे हटा सकते हैं? सुनिए राहुल, प्रेशर में पूरी कैबिनेट उनकी वहां बैठी हुई है, योगी जी की पूरी कैबिनेट बैठी हुई है। कहां आप देखिए जिस तरीके से याचिका को कैंसिल किया गया है, सामने अधिकारी आज भले आज चुनाव आयोग के निर्वाचन पे उसमें काम कर रहे हो, लेकिन कल को उनको योगी जी के अंदर काम करना है। हमारे यहाँ विधि में एक स्पष्ट कहा गया है, एट द आटम फाटम, अगर आप दूसरे पक्ष की सुनने के लिए तैयार नहीं है, इट मीन्स आप नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन कर रहे हैं। और ये जगह जगह पर आपको चुनाव आयोग करते मिला, आखिर प्रधानमंत्री जी ने जब पुलवामा पे पहले शहादत की, प्रधानमंत्री जी ने शहादत से जो मांगी थी क्लीन चिट कैसे दे दी चुनाव आयोग ने? चुनाव आयोग ने क्लीन चिट कैसे दे दी मुझे बताइए? समाजवादी पार्टी का आज उसके बहू बेटे नाती पोते, चलिए क्लियर, आप दोनों लोगों की बात होगी। आप लोग स्क्रीन पर आ गए, स्क्रीन पर आ गए और छा गए, आप यही चाहते थे ना। लेकिन भारत समाचार जिस मुद्दे पर बहस करने के लिए आया है उसी मुद्दे पर कायम रहेगा। आप छा गए ना, हो गया ठीक। संतोष यादव जी, एक मिनट, मैंने बताया कि डर का व्याप्त है। कपिल
हो गया कपीश जी, एक मिनट। संतोष यादव जी, अमित शाह जिस बात को डंके की चोट पर कह रहे हैं हर सभाओं में हर रैलियों में, प्रधानमंत्री मोदी जी जिस बात को कह रहे हैं कि देखिए तीन महीने ये प्रधानमंत्री, उसी बात को ओपी सिंह जी कह रहे हैं कि देखिए जब अभी ये स्थिति है, अभी तो 41 लोकसभा सीट पर होना, तो बाद में तो यही स्थिति बनेगी, तो क्या आप ऐसी कमजोर सरकार आप लोग देने वाले हैं? मैं बता दूं कि मैं आ रहा हूं करना जी तुरंत आपके पास, ये आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, इनकी बात भी सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस का बिल्कुल सूफड़ा साफ होने वाला है गठबंधन के सामने। अच्छा। इसलिए ये लोग अनर्गल बयान देते रहते हैं, बीजेपी के लोग भय पैदा करते हैं और कांग्रेस भ्रम पैदा करती है। गठबंधन के सामने इन दोनों लोगों को यूपी में कुछ मिलने वाला नहीं है। रही बात जो आपने क्वेश्चन किया कि तीन तीन महीने के प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गठबंधन की अगर कोई सरकार बनेगी तो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा किसी को प्रधानमंत्री बनने के लिए, जो एक नियम आ रहा है, तो कक्षा 5 के नागरिक शास्त्र प्रोग्राम तय होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने 42 दलों के साथ बनाएगा, उसमें कोई भय और भ्रम की स्थिति नहीं है। देश क्या भय और भ्रम से चलेगा? दो बड़ी पार्टियां ये पैदा करना चाह रही हैं हमारे साथ, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। और कांग्रेस, ओमकारनाथ जी जवाब दीजिए, भ्रम की जिम्मेदारी आप पर, भय की जिम्मेदारी इन पर, इसका जवाब गठबंधन कह रहा है। मैं जरा अपने भाई ओपी सिंह जी की बात का जवाब दे लूं। वो पूछ रहे थे कि इनकी ना कोई नीति है ना कोई नियत है। अरे भाई, नीति तो आपकी बहुत बड़ी है, 4 साल में मौका मिल गया बैटिंग करने का, 30,28,945 करोड़ कर्जा ले लिया, 70 साल में 53 लाख कर्जा था, 4 साल में उस कर्जे को आपने 53 से 83 तैयार रखे हैं, 83 पहुंचा दिया आपने मेरे भाई। एक मिनट, आज इस पर बात नहीं हो रही, क्योंकि ये कंफ्यूजन है। राहुल जी से प्रियंका जी का बयान उतना माने नहीं रखता जितना ये माने रखता है। 200 करोड़ कर्ज में डाल देंगे, ओमकारनाथ सिंह के लिए प्रियंका गांधी इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, लेकिन ओमकारनाथ सिंह जी के लिए प्रियंका गांधी इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, लेकिन भारत समाचार के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है किसी राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव है, किसी राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव है, उनके बयान आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं होगी सर, मेरे लिए। एक प्रश्न सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। आप उस बयान को हम कहां डिनाई कर रहे हैं कि उन्होंने नहीं कहा, या हाँ। कहां हम विरोध कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? वो बयान तो हो गया। देखिए सुनिए ओमकारनाथ जी, मैं आप अपना बोलिए, ओमकारनाथ जी सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, ये बताइए एक मिनट, ओमकारनाथ जी मेरी बात सुनिए ना, ओमकारनाथ जी मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, सुनिए ओपी सिंह जी प्लीज, ओमकारनाथ सिंह जी एक मिनट सर प्लीज, मेरी बात नो जवाब, जब आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, एक मिनट प्रधानमंत्री फसल, अरे सर सुनिए ना, फिर बोलते जा रहे एक मिनट सुनिए, अगर इतनी ही आपको चिंता होती ना देश की, तो ये भ्रम की स्थिति ना फैला रहे। हम आपके वजह से नहीं राजनीति करने आए हैं, हाँ, कि हम आप जो हुकुम दे देंगे तो हम करने लग जी भाई साहब, आप हम ऐसे करेंगे, जिसको जो कहे, मतलब आप ये कहेंगे कि सुनिए आप दो एक मिनट, ओमकारनाथ जी सुनिए प्लीज, ओमकारनाथ जी सुनिए ओपी सिंह जी प्लीज साइलेंस, ओमकारनाथ जी तो आपके नेता ये कहेंगे कि दो पूर्व मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री के पास रिमोट कंट्रोल चलते हैं, ये कह देंगे चल ही रहे हैं। कपीश जी जवाब इसका चाहिए मुझे, मुझे जनता को जवाब देना, आप बताइए जवाब चाहिए मुझे इसके, आपके दोनों पूर्व मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री के डर से डरते हैं, एक मिनट मुझे इसका जवाब चाहिए, बस सीधा जवाब, देखिए सीधा जवाब चाहिए मुझे, जवाब इसका जवाब मैं तो दे ही रहा हूँ, लेकिन इसका असल जवाब आपको 23 मई को मिल जाएगा, कि कौन किसके रिमोट से कौन कहां कहां संचालित हुआ है और कैसे क्या चला है। रह गई बात और अखिलेश प्रधानमंत्री मोदी के रिमोट से पूरे 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 दृढ़ता के साथ मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का जो अस्तित्व रहा है, समाजवादी पार्टी में जो माननीय नेताजी का जो व्यक्तित्व रहा, माननीय अखिलेश यादव जी का जो व्यक्तित्व रहा है, वैसा व्यक्तित्व का धारण करना और जो कहना वो करना वाली पार्टियों में हमारी पार्टी शुमार है। ये कभी नहीं हुआ कि हमने कह दिया कि ये होगा और वो ना हुआ हो, पूरे जी जान और नियत से काम करने वाली पार्टी रही है। आज आपको गठबंधन से अगर ये दिख रहा तो उसका कारण सिर्फ एक ये है कि भाई हम लोग चोर अभियान में क्यों नहीं शामिल हैं,
तो हम चोर अभियान में सिर्फ इसलिए नहीं शामिल हैं कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन शुचिता की राजनीति में विश्वास करता है। जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मनमोहन सिंह जी को संसद के अंदर कोयला चोर कहा था और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी को टोटी चोर कहा था, उस समय भी हमने कहा था कि यह देश की राजनीति के लिए इस तरह की शब्दावली ठीक नहीं है। आज कांग्रेस ने भी उन पर पलटवार किया है, मैं लेकिन बावजूद उसके मैं कह रहा हूं कि हम चोर के साथ नहीं है, चोर संवैधानिक नहीं है, समय की बाध्यता है, मैं उसी से बंधा हुआ हूं। यानी आप ये कह रहे हैं कि किसी का कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल नहीं है दोनों नेताओं पर, बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह के बयान का मतलब क्या था? और ओमकारनाथ जी ने ये भी कहा, इतना अभिमान ठीक नहीं है, इतना अभिमान ठीक नहीं, ये भी कहा उन्होंने बात में जब बोल रहे थे तो। अरे देखिए, बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फसल आ गया तिजूर। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की यही स्थिति है, तो ठीक है 22 के लिए तैयारी कर रही है कांग्रेस। ओ, जमीन ही नहीं है ओमकारनाथ जी, जमीन आपकी है ही नहीं है, ये कह रहे जमीन नहीं है। हमारे मित्र का 23 तारीख को पता लग जाएगा, 23 तारीख को आने दीजिए भाई, काहे परेशान हो रहे हैं। राहुल जी ने बयान दिया, प्रियंका जी ने बयान दिया, उस बयान में आपको जितनी आलोचना करना हो करिए, हम रोक थोड़ी रहे हैं आपको, लेकिन 23 तारीख को आपको पता लग जाएगा कौन सही है कौन गलत। आलोचना कौन कर रहा है, उसी बात को तो हम पूछ रहे हैं। आलोचना तो अभी शुरू भी नहीं किए गए सर, आलोचना करना शुरू भी नहीं की, समझने की बात है। अरे आप एक बात बताइए तो मुझे समझा दीजिए राहुल गांधी का बयान। चलिए मैं ना समझ, राहुल गांधी बहुत समझदार, राहुल सौमित्र ना समझ, मुझे समझा दीजिए जरा प्लीज कि क्या मतलब था उस बयान का, मतलब दो पूर्व मुख्यमंत्रियों का ये अपमान था या नहीं था, बताइए। कैसा अपमान? अच्छा, किस तरह का अपमान? नहीं था। आप जिस तरह से जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि कांग्रेस और क्या कहते हैं बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये सम्मान है? ये मैंने कहा, ये मैंने कहा, आपकी बात थोड़ी कर रहा हूं महाराज। अच्छा ओके, आप जो बात कर रहे हैं, आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, सॉरी सॉरी मैम, सॉरी, आप बोलिए बोलिए। चलिए, ये बात तो मैं जिन्होंने कहा मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, गुड। हाँ बोलिए बोलिए, आप जो को भी बुलवाइएगा, वो बात जो क्या कहते हैं उन्होंने कहा, तो जो जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो हाथ ही जोड़ रहे थे ना, हाथ जोड़ते जोड़ते भी आपने क्या कहते हैं महाराज कि नहीं नहीं बोल बोल बोल, तो बोलना तो पड़ेगा भाई। कपीस जी और संतोष यादव जी, मैं ओपी जी आ रहा हूँ, ओमकारनाथ जी तो हाथ जोड़ रहे थे, एक मिनट, जनता को बताना पड़ेगा आपको, सुनिए, जनता को बताना पड़ेगा आपको, आप कौन सी सरकार बनाने जा रहे हैं सर, वो तो हाथ जोड़ रहे थे, दोनों लोग बारी बारी से जवाब दीजिए, फिर मैं ओपी जी के पास आऊंगा। राहुल सुन लीजिए, राहुल राहुल आप सच सुन लीजिए, सपा बसपा ममता और एक क्या कहते हैं सर प्लीज, मोदी जी चार आदमी के अलावा संस्कार कौन है जो कि दोनों घटकों में नहीं जुड़ा हुआ है, चार पार्टी के अलावा, और ये चार क्या मिलकर अगर सब सीटें जीत जाते हैं तो सरकार बनाने की पोजीशन में है, क्या बात करते हैं? देखिए वाजिब सवाल आ गया कांग्रेस का, एक मिनट, वाजिब सवाल आ गया, देखिए दो सवाल आए हैं, दोनों लोग जवाब, दोनों लोग आप दोनों जवाब दीजिए, पहला सवाल, मैं दोनों चीज का जवाब, संतोष जी को भी मौका दे दीजिए, अगर मान लीजिए 3 सीट जीत गए तो आप इनको कुछ अपनी सरकार में नहीं रखने क्या? नहीं, दोनों लोग देखिए, पहला सवाल ये है कि वो तो हाथ जोड़ रहे थे, आपने उनकी बात नहीं सुनी, और दूसरा सवाल आप जान ही रहे, दोनों सबसे बड़ी बात है राहुल जी, सौमित्र जी, सबसे खुल करके मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं कि देखिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या गठबंधन के जो भी दल हैं, वो एक ऐसी विचारधारा है जो कि धर्मनिरपेक्षता की उसके आधार पर है। हम कांग्रेस को बिल्कुल ये कहते हैं कि वो धर्मनिरपेक्षवादी पार्टी है जैसे हम लोग हैं, लेकिन एक ही थाली के चट्टे बट्टे का जो उद्देश्य था और जिसको इन्होंने गलत तरीके से लिया है, उसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। माननीय ओमकारनाथ सिंह जी, एक ही थाली के चट्टे बट्टे का मतलब यह होता है कि जो आपकी नीतियां थी उसी का पोषण ये भी कर रहे हैं, और इनकी जो नीतियां हैं उनका पोषण आप करते हैं। विचारधारा की बात हम लोगों ने नहीं कही है, लेकिन आप यह जान लीजिए कि जब देश के संविधान को बचाने की बात आती है, जब देश को बचाने की बात आती है, तो दंभ भरने वाली नीतियां नहीं होनी चाहिए, ना बातें होनी चाहिए। अगर ठीक है संतोष जी, एक मिनट, अगर आप 78 सीटों पे ठीक है, अतः शोभा इसलिए नहीं दे रहे हैं, एक मिनट सर, एक सेकंड लूंगा सर, अब दूसरा जवाब ले लेते हैं ना इनसे सर, एक सेकंड, हमारी बारी, ये हमारे भाई उसको है। 1977 में जब जनता पार्टी बनी
तो समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी दोनों उसमें विलय हुई 1989 में। सर जब 2019 में थे ना तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी से हमारी समाजवादी पार्टी सारे के सारे लोग मैं संतोष जी आ रहा हूं देश की सियासत में है। प्लीज ओंकार राज जी अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा कीजिए। प्लीज देखिएगा कपिलिया जी और जयप्रकाश जी भी कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। हम इतिहास उनको कहा कपीश जी आप दूसरों को भी समय दीजिए ना प्लीज। ओपी सिंह जी सीधा सीधा सवाल ये पूछ लिया गया कांग्रेस ने गठबंधन से पूछा। संतोष जी मैं आपके पास आऊंगा लेकिन ओपी सिंह के पास आना बहुत जरूरी है जी कि अगर आप लोग जीत भी जाते हैं तो 78 सीट में कहां आप सरकार बना लेंगे। सही कहा कहां बना लेंगे सही और उन्होंने कहा कि मैं तो हाथ जोड़ रहा था लेकिन आपने गठबंधन में शामिल नहीं किया दो सीट पकड़ा दी आप जो हमारी सीट रहती है। लंबे समय से बात कही दोनों ने सही कही कि अगर ये 78 जो लड़ रहे हैं तो लड़ेंगे तो ये सरकार बनाने की स्थिति में कहां आएंगे। और उन्होंने इनसे भी कहा भैया हाथ पांव तो राहुल जी जोड़ रहे थे आपने गठबंधन में लिया नहीं खाली एक दूसरे के परिवार को आपने जो परिवारवादी पार्टियां हैं इन्होंने कांग्रेस के एक परिवार के माँ बेटे के लिए सीटें छोड़ दी इन्होंने जो है मुलायम सिंह के परिवार को सीटें छोड़ दी। तो ये तो परिवारवादी पार्टियां एक दूसरे के सम्मान में एक दूसरे को जिताने 36 परिवार हाथ चला रहे हैं ओपी सिंह साहब इन्होंने सपोर्ट किया ये अच्छा नहीं लगता है लोकतंत्र में आप इस तरीके की चुनौती दे रहे हैं। प्लीज जहां निर्वाचन होता है वहां परिवारवाद कैसे हो सकता है। देश की जनता को भ्रम बनाने की कोशिश मत कीजिए ओपी सिंह साहब ये नहीं चलेगी। मुझे आप बताइए लोकतंत्र में जब निर्वाचन होता है निर्वाचन देश की जनता करती है तो इसके मतलब आप प्रशिक्षित देश की जनता को उठा रहे हैं और 36 लोगों को आप अपने पुत्रों को कहां से प्रधानमंत्री आप बना लेंगे। राहुल जी मैं पहले भी बता चुका हूं कि प्रधानमंत्री बनने की एक प्रक्रिया है। हमारे मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे मेरी बात सुनिए जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है क्या जनता पार्टी लड़ रही है क्या जनता पार्टी जो आप बता रहे प्रधानमंत्री कैसे बनता है तो मैं बताना चाह रहा हूं प्रधानमंत्री कैसे बनता है। ठीक है प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने तो उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था उस समय बहुत शुक्रिया ओपी सिंह जी आपका। सर प्लीज साइलेंस आपको आप ऑन एयर है जनता देख रही चिल्लाएंगे तो इसमें आपकी इंसल्ट होगी। ओंकारनाथ जी आपका बहुत शुक्रिया बहुत ओपी सिंह जी आपका और कपीश श्रीवास्तव जी आपका भी। तो यानी मोहब्बत भी तुम्हें से है और लड़ाई भी तुम्हें से है। अब जनता 6/19 को क्लियर कर देगी और 12 को क्लियर कर देगी कि हकीकत क्या है और भ्रम में जनता बिल्कुल ना रहे। वोट सोच समझ कर जो आपके बीच आए उसे ही दीजिए। बहुत धन्यवाद। आपका विजय इंटरव्यू था।